नमस्कार विद्यार्थियों, अपन मध्य प्रदेश प्रश्न बैंक को सॉल्व कर रहे थे जैसे आपको पता है, और इसमें से मैं आपको फिलर करवा चुका हूँ और डिवाइड एडिटेड करवा चुका हूँ, और मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बता चुका हूँ कि कैसे किन किन क्वेश्चनों को करना है आपको, जो कि आपका एग्जाम नज़दीक है। तो अब उन क्वेश्चनों को के अलावा आगे मैंने आपको बोला था कराने के लिए कि मैं आपको आगे एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज कराऊँगा। तो एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज के ऐसे ही आज अपन कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं और उन क्वेश्चनों को एक एक्सट्रैक्ट लेते हैं पहला वाला, और उस एक्सट्रैक्ट को आज सॉल्व करते हैं। बताता हूँ कि आपको वहाँ कैसे सॉल्व करना है हमको, ठीक है। ये तो आपको पता होना चाहिए पहले तो ये पेसिस, ठीक है। चलिए अब आगे देखेंगे उसको, पहले ध्यान रखिए। पहला क्वेश्चन देखो, इसको एक्सट्रैक्ट को सॉल्व करने का एक नियम होता है, अपन को वहाँ कुछ नहीं करना है, इसको पढ़ के समझ के कुछ नहीं करना है, ठीक है। एग्जाम हॉल में बैठे हैं आप, आपको मतलब है केवल उनके आंसरों से, ठीक है। मैं सॉल्व करने की विधि बता रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन पढ़िए, वेयर डिड बांडा सिट इन द क्लासरूम। इसमें लिखा है वेयर माने कहाँ, डिड माने थी, बांडा माने बांडा पेट्रोस्की, बांडा कहाँ बैठी थी, सिट माने बैठना, इन द क्लासरूम, क्लासरूम में बांडा कहाँ बैठी थी। अपन को केवल क्वेश्चन देखना है, तो अपने पास तीन ऑप्शन है, इन द फ्रंट सीट, इन द लास्ट सीट, इन द मिडल सीट, ठीक है। अब बांडा के बारे में पता करना है वो कहाँ बैठी थी क्लासरूम में। तो अब पढ़ते हैं अपन, टुडे मंडे, आज क्या है सोमवार। बांडा पेट्रोस्की वाज नॉट इन इन हर सीट, बांडा पेट्रोस्की अपनी सीट पर नहीं थी। बट नोबडी, नॉट इवन पेगी एंड मेडलिन, द गर्ल हु स्टार्टेड ऑल द फन, नोटिस्ड हर एब्सेंस। यूजुअली बांडा, देखो इस पर इस पर लगा है, यूजुअली बांडा सिट, सिट का सेकेंड फॉर्म होता है सेट, ठीक है। यूजुअली माने हमेशा, बांडा बैठती थी इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट, इन द लास्ट रो, लास्ट रो की लास्ट सीट में, इन रूम 13, रूम 13 में कहाँ बैठती थी, इन द लास्ट सीट, ठीक है। ये मिल गया पहला, अपनों को पूरा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, अपनों केवल अपना कड़ी से कड़ी मिलानी है, ठीक है। अगला है द एडजेक्टिव फॉर्म, द एडजेक्टिव फ्रॉम द वर्ड अब्सेंस एज, ठीक है। तो इसमें पूछ रहे हैं कि अब्सेंस का एडजेक्टिव फॉर्म कौन सा है। तो इसका अब्सेंस का एडजेक्टिव फॉर्म क्या होता है, अब्सेंट, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जिसमें एल वाई लगा हो लास्ट में वो क्या होता है, एडवर्ब, याद रखना, जिसमें लास्ट में एल वाई मिले वो एडवर्ब जनरली होता है, हमेशा कंडीशन अप्लाई नहीं होता, कभी कभी कंडीशन चेंज रहती है, लेकिन जनरली एल वाई लगा होता है एडवर्ब होता है। और नाउन का क्या रहता है, लास्ट में एन सी ई या फिर एम ई एन टी, एम ई एन टी और आई ओ एन, जिसमें लगा हो लास्ट के वर्ड में वो क्या रहता है, नाउन, एन सी एम ई एन टी और आई ओ एन, जिसमें वर्ड में लास्ट में लगा हो तो नाउन होता है, इसमें ई एन टी लगाया है, एम ई एन टी नहीं लगाया है, इसलिए ये क्या है, अब्सेंट एडजेक्टिव, ठीक है। अगला है फ्रॉम विच लेसन हैज दिस एक्सट्रैक्ट बीन टेकन, ए एक्सट्रैक्ट किस लेसन से लिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए, बस इस क्वेश्चन को अगर आपके बारे में पता नहीं है तो आपका एक क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, लेकिन अगर इसके बारे में पता है कि एक किस पार्ट का एक्सट्रैक्ट है, लेसन का एक्सट्रैक्ट है, तो आप सॉल्व कर सही कर सकते हैं, ठीक है। तो ये किसका है, वंडा का, वंडा पर उसका क्या, द 100 ड्रेसेस का, ठीक है। तो बिल्कुल आसान है। अब देखो इसको अपन को यहाँ से यहाँ तक पढ़ना ही पड़ा, अपन को क्वेश्चन इधर ही मिल गया, एक क्वेश्चन ही मिल गया, इसका एक ग्रामेटिकल हो गया और बकाया ए आपको पता होना चाहिए किससे है, बस पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए ऐसे ही मैं आपको एक और पेसेज करके दिखाता हूँ, ठीक है। इसके बाद दो पेसेज और कराऊँगा अगली वीडियो में, और जो भी नए हैं देख रहे हैं कृपया करके शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगला है कि द मून कमिंग, पहले क्वेश्चन पढ़ना है, अपना नियम है, हाउ वाज द वेदर व्हेन द पायलट स्टार्टेड फ्लाइंग एयरप्लेन। इसमें लिखा है कि हाउ माने कैसा, बाज माने था, वेदर माने मौसम, व्हेन माने जब, द पायलट मतलब पायलट होता है, स्टार्टेड माने शुरू किया, फ्लाइंग माने उड़ाना एरोप्लेन, पायलट ने जब एरोप्लेन को उड़ाना शुरू किया तो वेदर कैसा था, कैसे था, क्लाउडी बादल छाए थे, क्लियर साफ था या फॉगी धुंधला था, ठीक है। तो द मून कमिंग अप इन द ईस्ट, मून ईस्ट से उग रहा था, बिहाइंड मी मेरे पीछे, द स्टार वर शाइनिंग, तारे कैसे चमचमा रहे थे, इन द क्लियर स्काई, स्काई कैसा था, क्लियर, एवं मी देयर वाज नॉट क्लाउड इन द स्काई,
क्लाउड में स्काई में कोई सा भी क्लाउड नहीं था, कोई बादल छाए नहीं होते। आई वॉज हैप्पी टू बी लॉन्ग विद हाई अप ऑफ द स्लीपिंग कंट्री साइड। ठीक है, मैं खुश था क्योंकि मैं शहर सो रहा था और उसके ऊपर से फ्लाई कर रहा था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर द, तो इसमें इस पर बताया जब वो फ्लाइंग कर रहा था तब मौसम कैसा था, साफ क्लियर। ठीक, तो ऐसे का आंसर क्या जाएगा, क्लियर। अब अपर को जरूरत नहीं इसको पढ़ने की, इसको पहले का आंसर मिलेगा। अगले का आंसर था पायलट बाई रिटर्निंग होम, पायलट कहाँ से लौट रहा था। ठीक है, तो इसका आंसर आपको मिलेगा आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा, मैं अपने पुराने ओल्ड डकोटा में, पहले इसको पूरा पढ़ो, आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। तो इसमें इस पर लिख के दिया है कि मैं अपने पुराने ओल्ड डकोटा में हवाई जहाज को फ्रांस से कहाँ ला रहा था, वापस इंग्लैंड ला रहा था। ठीक है, तो फ्रांस टू, रिटर्निंग फ्रॉम फ्रांस टू इंग्लैंड, इसका आंसर ये हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्यों, क्योंकि अगला क्वेश्चन इसमें से पूछ ही नहीं गया। अगला क्वेश्चन तो ये पूछा है कि एक किस लेसन का एक्सट्रैक्ट है, तो आपको ये पता होना चाहिए एक किस लेसन का एक्सट्रैक्ट है। तो इसका आंसर क्या है, अपने को पता है ब्लैक एरोप्लेन का है, खत्म। दो लाइनें पढ़ने की आवश्यकता है क्या, मतलब इतने बड़े में दिमाग लगाना, तो बहुत सिंपल है, बहुत सारा सिंपल। ठीक है, चलो दो मैं और बताऊँगा इसमें से कोई से भी अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।